हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दिलो और आप देख रहे क्यू एन ए पार्ट 27। और यहाँ पर आपको टू क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, जो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछे हैं। और आपका भी मैथ एंड रीजनिंग के ऊपर कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये कि आपका हर एक डाउट क्लियर करो। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो कि भूषण कुमार जी ने पूछे हैं, क्वेश्चन है, पंकज बॉट ए बैग डिस्काउंट 20% ऑन MRP। यहाँ पर कह रहा है पंकज एक बैग खरीदा है जो कि MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस के 20% डिस्काउंट पर। नेक्स्ट कहा है इफ ही सेलिंग 150% मोर ऑफ हिज CP देन ही गेट्स रेस 50 प्रॉफिट ऑन CP। और अगर उस बैग को कॉस्ट प्राइस के 150% ज्यादा प्राइस में अगर सेल किया जाए तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो 50 रुपीज। यहाँ पर पूछे आज के फाइंड द MRP ऑफ बैग, तो बैग का मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना है आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एट फर्स्ट मान लीजिए बैग का जो MRP है वो X। तो यहाँ पर सिंपली कहा है कि MRP के ऊपर 20% डिस्काउंट है, यानी कि यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस होगा जो कि 100 - 20 यानी कि 80% जो कि कॉस्ट प्राइस तो 80% ऑफ जो कि MRP यानी कि X। तो यहाँ पर सिंपली 80/100 × X यानी कि 0 0 कैंसिल एंड यहाँ 2 से जो कि 4 एंड यहाँ पर 5 जो कि 4X/5 जो कि कॉस्ट प्राइस बैग का। अब सिंपली यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस जो कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर 150%, तो यहाँ पर सिंपली सेलिंग प्राइस जो होगा 150% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब 150% यानी कि 150/100 × कॉस्ट प्राइस जो कि यहाँ पर देखिए बैग का कॉस्ट प्राइस 4X/5, 0 0 कैंसिल एंड यहाँ पर 3 से 2 से 5 2 एंड यानी कि 3 × 2 यानी कि 6X/5 जो कि सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पर सिंपली प्रॉफिट आप निकल सकते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो कि 6X/5, कॉस्ट प्राइस जो कि 4X/5। अब सिंपली देखिए जो कि प्रॉफिट दिया हुआ है 50 रुपीज, सिंपली इक्वल टू 50 आप लिख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर 6X/5 - 4X/5 = 50। तो यहाँ पर 5 जो कि LCM 6X - 4X = 50 यानी कि 2X = 250 यानी कि X = 250/2 यानी कि 125। और यहाँ पर X जो कि MRP यानी कि बैग का जो MRP है वो 125 रुपीज, और ये आपका आंसर है। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। और यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन जो कि सोनारुल हक जी ने पूछे हैं, क्वेश्चन है इफ X - 25 + 1/X - 25 = 626/25 देन X = what। तो यहाँ पर X निकालना है। तो यहाँ पर सिंपली इस क्वेश्चन को देखकर लग रहा होगा कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, इस टाइप क्वेश्चन बहुत ही इजी है, चलिए दिखा देते हैं। तो यहाँ पर एट फर्स्ट दिया हुआ है X - 25 + 1/X - 25 = 626/25। क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 25 + 1/25, क्या इस तरह से लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। 25 + 1/25 यानी कि 25 यहाँ पर LCM और 25 × 25 यानी कि 625 + 1 जो कि 1 यानी कि 626 यानी कि 25 यानी कि 626/25 लिख सकते हैं 25 + 1/25। और यहाँ पर इन दोनों साइड को कंपेयर कीजिए, दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो X - 25 = 25, यहाँ से भी X - 25 यानी कि 25।
आप सिंपली दोनों साइड को कंपेयर करके x माइनस 25 इक्वल टू 25, यानी कि x इक्वल टू 25 प्लस 25 यानी कि 50, जो कि आपका आंसर। और इसी तरह से आपका भी मैथ एंड रीजनिंग के ऊपर कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा कोशिश ये कि आपका हर एक डाउट क्लियर करूं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्मार्ट स्टडी फॉर करियर को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी तरह का और भी वीडियोज देखने के लिए।